तो जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस देशराज यादव और आपको जानकारी दें कि इंस्पेक्टर अरुण ट्रैप किए गए हैं 5,000 की रिश्वत की रकम लेते हुए। सहयोगी आशुतोष कर को करना चाहेंगे जो बताएंगे कि कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और क्या डिटेल्स मिल रही है इस कार्रवाई से जुड़ी हुई। आशुतोष देखिए, डीआरसीटी कोऑपरेटिव का जो देशराज यादव है इनको ट्रैप किया गया है और इंस्पेक्टर है अरुण प्रताप सिंह इनको ट्रैप किया गया है। दोनों को 5,00,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है और जानकारी में यह आया है कि सत्यापन के दौरान जो वेरिफिकेशन होता है उसके दौरान भी ये घूस की बड़ी राशि ले चुके थे। सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होती है उसमें मदद करने की एवज में घूस की ये राशि मांगी गई थी और अभी इनको ये गांधीनगर पुलिस थाना क्षेत्र है वहाँ जनता स्टोर के ठीक पास में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब एसीबी मुख्यालय लाया गया है दोनों आरोपियों को। आगे की पूछताछ की जा रही है, उनके जो संबंधित ठिकाने हैं वहाँ भी कार्रवाई की जा रही है। एसीबी मुख्यालय के जो एडिशनल एसपी हैं बजरंग सिंह शेखावत उनके नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब से कुछ देर पहले इनको एसीबी मुख्यालय लाया गया है जहाँ पे आगे की जो पूछताछ है वो की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका आशुतोष शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और क्या क्या बातें निकलकर अब सामने आ रही है इस कार्रवाई के तहत, ये जानकारी आशुतोष ने साझा की। और आइए